नमस्कार, मैं सुनील मिश्रा, इंडोक्रिनोलॉजिस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट मेदांता से आपके समक्ष डायबिटीज और कोरोना वायरस के संदर्भ में कुछ प्रमुख तथ्य रखना चाहता हूँ। जैसा कि आपको जानकारी है, कोरोना वायरस एक नए तरीके का रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन है और इसने बहुत ही कम समय में 3-4 माह के अंतर में पूरे विश्व को अपने गिरफ्त में ले लिया है। और यह देखा गया है कि इस बीमारी से होने वाले गंभीर परिणाम या जिसको हम कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं, वह कुछ वर्ग विशेष में ज़्यादा देखे गए हैं। ये वो लोग हैं जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर हो, उनको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं या कुछ तरह की इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, ऐसे लोगों में इससे होने वाले जटिलताएँ ज़्यादा देखी गई हैं। सो अतः डायबिटीज़ के पेशेंट्स इस बीमारी में आप कह सकते हैं कि हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। सवाल यह आता है कि क्या कोरोना वायरस इन्फेक्शन डायबिटीज़ में ज़्यादा हो रहा है? अभी तक का जितना भी साइंटिफिक डेटा अवेलेबल है, उसमें कहीं पर इस तरह से नहीं दिखाया गया है कि यह इन्फेक्शन सामान्य लोगों की तुलना में डायबिटीज़ में ज़्यादा फैल रहा है, तो एक ये रीअश्योरिंग बात है। लेकिन इस इन्फेक्शन से होने वाली जटिलताएँ या कॉम्प्लिकेशन, लाइफ का रिस्क डायबिटीज़ वाले पेशेंट में ज़रूर ज़्यादा है। अतः हमको अगर डायबिटीज़ के पेशेंट में यह इन्फेक्शन फैलता है तो ज़रूर इसमें सचेत होना ज़रूरी है। लेकिन एक रीअश्योरिंग बात यह भी है कि अगर आपकी डायबिटीज़ पूरी तरह से कंट्रोल में है और आपको कोई साथ में कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं, तो यह इन्फेक्शन से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस या जटिलताएँ कम रहेंगी। सामान्य तरह से यह भी देखा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई इन्फेक्शन होता है तो उसमें शरीर में शुगर बढ़ जाती है। इस इन्फेक्शन में भी इन्फेक्शन के द्वारा जो शरीर में शुगर बढ़ती है, वो संभवतः इससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन को बढ़ाने में योगदान करती है। अगला प्रश्न यह उठता है कि क्या यह इन्फेक्शन एक कॉमन फ्लू, या जिसको कि हम मामूली सीजनल खांसी जुकाम कहते हैं, उससे डिफरेंट है? जी हाँ, यह इन्फेक्शन एक रेस्पिरेटरी बॉर्न इन्फेक्शन है कि जो कि ड्रॉपलेट के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है और यह बहुत आसानी से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसी तरह वजह से इसने इतने कम समय में पूरे विश्व में को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इस तरह का इन्फेक्शन अगर किसी व्यक्ति में के संक्रमण में है और उस व्यक्ति में कोई अभी लक्षण नहीं है, जिसको कि हम एसिम्प्टोमेटिक बोलते हैं पर्सन को, वह व्यक्ति भी इस इन्फेक्शन को आसानी से दूसरे व्यक्ति में इन्फेक्शन फैला सकता है। फाइनली, इस तरह के वायरल इन्फेक्शन में सामान्य फ्लू की तुलना में लाइफ का रिस्क 10% ज़्यादा है और कुछ पेशेंट्स को भर्ती रहने की या अस्पताल में हॉस्पिटलाइज या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि सामान्य फ्लू में आमतौर हमको नहीं देखने में मिलता है। अभी की डेट में अगर ये इन्फेक्शन किसी को है और आपको डायबिटीज़ है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले जो बात ज़रूरी है, अगर आपको ये डायबिटीज़ है तो आप अपनी मेडिसिन को जिस तरह से ले रहे थे उस तरह से लेते रहिए। अगर आपकी शुगर बेहतर कंट्रोल है तो उसको मॉनिटर भी ज़रूर करिए, क्योंकि इस इन्फेक्शन के बाद अगर घर में ये इन्फेक्शन होता है तो आपको इसका रिस्क ज़्यादा रहेगा। सो अब हमको यह प्रश्न उठता है कि अगर यह वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है और आपको डायबिटीज़ है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपका एक जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने डायबिटीज़ की मेडिसिन को नियमित रूप से लेते रहिए। अगर आपकी शुगर बेहतर कंट्रोल है तो उसको मॉनिटर भी ज़रूर करिए, क्योंकि सडन अचानक से जो लाइफस्टाइल चेंज हुई है उससे हो सकता है कि आपकी शुगर बढ़े। तो अगर आप मॉनिटर करेंगे तो आप इसको बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेडिसिन मिलने में प्रॉब्लम आ रही है, जो कि इस तरह से कई लोगों ने संपर्क मुझसे किया है, उन्होंने बोला है कि हमको इस तरह की जो मेडिसिन जो आप पहले लिख रहे थे ले रहे थे वो नहीं मिल रही है, तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपके पास में आने वाले 2-3 हफ्ते का स्टॉक अवेलेबल है। अगर आपकी मेडिसिन ख़त्म हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें और उसका एप्रोप्रिएट सूटेबल सब्स्टिट्यूट के बारे में बताएं और वो जो कि आपके निकटतम फार्मेसी में अवेलेबल है उसको लें। अपने आप से मेडिसिन चेंज मत करिए। अभी तक ब्लड प्रेशर की किसी भी मेडिसिन से इस
इन्फेक्शन के ज़्यादा होने का रिस्क नहीं दिखाया गया है। अगर आप इस तरह की कोई रिपोर्ट पढ़ते हैं तो अपने आप से मेडिसिन मत चेंज करिए। फाइनली अब यह बात आती है कि आप कैसे अपने आप को बचाएंगे और अपने परिवार को कैसे बचाएंगे। इस बीमारी के इलाज के लिए और इस बीमारी के वैक्सीन के लिए पूरी दुनिया में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, लेकिन अभी इमीडिएट कोई सफलता नहीं मिली है। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक आपकी जिम्मेदारी इस इन्फेक्शन से बचने की है। तो कैसे बचें? सबसे मुख्य बात है हैंड हाइजीन। अपने हाथों को प्रॉपरली वॉश करिए, जिसके बारे में आप अब तक जान चुके होंगे। खांसते छींकते समय कैसे करना है, और अगर आप हाथ पे टिश्यू में छींकते हैं तो उसको डिस्पोज करके हैंड वॉश करना है। रिपीटेड हैंड वॉशिंग, प्रॉपर हाइजीन, या किसी भी सतह को जहाँ पर कि ये वायरस हो सकता है वहाँ पर छूने के अगर आपने छुआ है तो उसके बाद हैंड हाइजीन करना ज़रूरी है। आइज, नोज और फेस को जब तक कि हाथ साफ नहीं हो मत टच करिए। किसी भी तरीके की अनप्रूवन थेरेपी को मत इस्तेमाल करिए। कोई भी शर्तिया इलाज बताता है इस बीमारी का, उससे दूर रहिए। अपने आप से इंडिजिनस ट्रीटमेंट मत करिए। अगर आपको घर से बाहर निकलना पड़ता है किसी ज़रूरी काम से, कोशिश करिए कि घर में रहिए और डिस्टेंस मेंटेन करिए। तो अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो मेरा ये सलाह होगा आपको कि एक मास्क ज़रूर पहनिए। क्यों? क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि जो दूसरे व्यक्ति जिसके आप संपर्क में आ रहे हैं वो उसको वायरल इन्फेक्शन हो, लेकिन उसको कोई लक्षण ना हो, उसको अभी नहीं मालूम होगा। वो बेचारा भी जानबूझ के आपको वायरल इन्फेक्शन नहीं फैला रहे, लेकिन आप उसके संपर्क में आने से उससे वायरल इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं। तो इसलिए मास्क पहनना, हाइजीन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इस बीमारी के लक्षण आ रहे हैं या डायबिटीज़ से या डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन की कुछ प्रॉब्लम आपको है तो ज़रूर अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। अब आप किस तरह से संपर्क करेंगे? संपर्क करने का सबसे सही तरीका इस समय टेलीमेडिसिन है। आप अपने डॉक्टर को टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, फ़ोन कॉल या फिर वीडियो कॉल कर सकते हैं। कई तरह के प्लेटफॉर्म इस समय अवेलेबल हैं, उनका उपयोग करिए। और पर्सनल विजिट से अगर ज़रूरी नहीं है तो बचिए, इससे आप खुद बच सकते हैं और हेल्थ केयर को भी बचा सकते हैं। सो फाइनली मेरा एक मैसेज आपको ये होगा कि प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अपने से को बचाइए, प्रोटेक्ट योर फैमिली, अपने परिवार को बचाइए, प्रोटेक्ट योर सोसाइटी एंड प्रोटेक्ट योर कंट्री। थैंक यू, नमस्कार।